कैसे हैं दोस्तों, मैं तापिश आ गया हूँ मेरी एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी टाइम से वीडियो बन नहीं रही थी क्योंकि डिवाइस का भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने अभी जस्ट स्विच करा और अपग्रेड किया आईफोन 14 प्रो मैक्स पे। और अभी बज रहा है रात का एक, देख सकते हैं आप लोग, एक बज रहा है रात का। तो भोपाल में क्या खाने को मिलता है रात में 1 बजे और कहाँ पर मिलता है, तो चलिए उसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिफ्ट आ चुकी है, अंदर चलते हैं। दोस्तों ये आ गया हूँ मैं पार्किंग में, देख सकते हैं आप, गाड़ियाँ खड़ी हैं। गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी, ये दानी भाई बैठे हैं। एयरपोर्ट रोड पे जब से रंगला पंजाब खुला है बहुत बढ़िया बढ़िया ढाबे खुल चुके हैं, तो उसमें से एक कोई ढाबा आप सिलेक्ट करते हैं और चलिए वहाँ का खाना दिखाते हैं आज आपको कि वहाँ का खाना कैसा है। तो अब हम आ गए शालीमार। यहाँ पे आपको तड़े तरीके के ढाबे मिल जाएंगे इस रोड पे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये देखिए आप शालीमार ढाबा, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हम लोग शालीमार ढाबे पे, अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को शालीमार ढाबा और मेन्यू देखते हैं कि मेन्यू में हमें क्या क्या इंटरेस्टिंग मिलता है। दोस्तों ये आ चुका है हमारा खाना, देख सकते हैं आप सिजलर पूरा टेबल पे सर्व करा जा रहा है। देख रहे हैं आप कैसे तेल से तड़का लगाया जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए आप लोग, पानी की बॉटल भी आ गई। हमने दो चीज़ें मंगाई हैं यहाँ पे, बटर चिकन और चिकन लबाबदार। ये पीछे लबाबदार रखा हुआ है और देखिए आप कितनी ज़बरदस्त एक रान का पीस झाँक रहा है। बटर चिकन में से यही लूँगा मैं और रोटियाँ भी बहुत ज़बरदस्त दिख रही हैं। तो दोस्तों आ चुका है हमारा खाना, बटर चिकन और चिकन लबाबदार, देख सकते हैं आप। चलिए इसका एक लेग पीस लेते हैं, ये रहा लेग पीस, देखिए आप ग्रेवी लेंगे। और ये है चिकन लबाबदार, अलग ही लबाबदार ही लग रहा, वो जबरदस्त टेस्ट दिख रहा है इसका। और तड़का जो इन्होंने पूरा यहाँ के तेल का इस पर लगाया है ना, अलग चार चार लगा दिया उसने खाने पे, देख सकते हैं आप। चलिए देख लें, वीडियो के लिए बहुत टाइम से मतलब रोटियां रखी लेकिन एकदम सॉफ्ट है, देखिए आप एकदम नरम रोटियां। सबसे पहले खाते हैं हम लोग बटर चिकन, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखिए आप भोपाल में जो जगह जगह ढाबे खुले हैं, लेकिन आप में इनको जो खाना मिलेगा वो आपको टेस्ट एकदम 5-स्टार होटल की तरह ही मिलता है। मतलब मैं तो कहूँगा कि 5-स्टार होटल में भी ऐसा टेस्ट नहीं मिलता जो आपको भोपाल के ढाबों पर मिलेगा। बटर चिकन एकदम लाजवाब हो रहा है टेस्ट में, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम लोग खाते हैं चिकन लबाबदार। ये देखिए आप रोटी भी अच्छी दी है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त। इसको भी खाते हैं, बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। बहुत प्यारा टेस्ट है इसका भी, इसका स्पाइसेस जो हैं वो खुल के आ रहे हैं मुंह में, आपको खा के ये अलग समझ में आ जाएगा। तो स्पाइसेस का टेस्ट बहुत ही उम्दा दिया हुआ है इसमें। तो चलिए दोस्तों हम लोग ये पहले खाते हैं, क्योंकि खाना ठंडा हो रहा है और हमारे घर वाले भी हैं साथ में, तो वो लोग भी खाना खाएंगे। तो खा के आपको इसको पूरा जो छोटा ये जो शालीमार ढाबा है इसका पूरा आपको रिव्यू देते हैं। ये देखिए आप, ये रहा हाईवे, हाईवे ये समझ लिया भोपाल से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये शालीमार ढाबा एंड रेस्टोरेंट, देख सकते हैं। वेज और नॉन वेज दोनों ही यहाँ पे आपको अवेलेबल है। और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़बरदस्त है, देख सकते हैं आप। सिटिंग एरिया बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बहुत सफिशेंट लोगों के लिए, आप फैमिली पार्टी वगैरह भी यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी जगह है। दोस्तों आइए आपको मिलाते हैं हम इस होटल शालीमार ढाबे का जो हमारे ऑनर हैं आजम भाई। आजम भाई को तो पूरा भोपाल जानता ही है, लेकिन अब इन्होंने नई फील्ड में कदम रखा है इस होटल इंडस्ट्री में। तो आजम भाई कैसे आपको ख्याल आया कि इस रोड पे ढाबा खोलना चाहिए? था कि फैमिली को लेकर निकलते थे। जी जी, तो
अभी तो ऐसा लगता था कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। अच्छा, ना फूड क्वालिटी अच्छी थी, ना कोई बैठक अच्छी थी, ना कहीं लोकेशन अच्छी थी। ये मतलब काफ़ी दिनों से प्लान था कि कोई अच्छी जगह बन जाए, इंशाल्लाह इसको चालू करेंगे। बेटे हैं हमारे अनुपम मियां, वो भी फूड इंडस्ट्रीज के अंदर ही हैं, एजेंसी से अलहमदिल्ला होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये उनका भी एक शौक था, मेरा भी शौक था, मैंने सोचा शौक को पूरा किया जाए। अलहमदिल्ला भाइयों की दुआएं थी, अल्लाह ने जगह दिलवा दी, उसको शुरू किया है। अलहमदिल्ला काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। एक फैमिली तो हमारी तकरीबन 24 दिन आज रेस्टोरेंट को ओपन हुए हुए हैं, 24 दिन से वो अलहमदिल्ला रेगुलर है, और तकरीबन 50 फैमिलियों को वो अपने साथ ला चुके हैं। तो 50 की 50 फैमिलियाँ जो हैं वो अलहमदिल्ला खुश होकर रहेंगी। फूड क्वालिटी से लेके सर्विस से लेके सारी चीज़ें अलहमदिल्ला आपके सामने हैं। बाकी भाई बताएँ। आजम भाई का कहना एकदम सही है, टेस्ट और देखिए आप मतलब इंटीरियर भी जो इन्होंने डिज़ाइन करा है, कुर्सी की क्वालिटी से लेकर जो जो चीज़ है खाने तक का भी टेस्ट, मतलब जो सिजलर इन्होंने हमें दिया पूरे टेबल पे जो सर्व करा अभी हम आपको वीडियो में दिखाया, तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। और खाने की क्वालिटी भी एकदम ज़बरदस्त थी, रोटी भी इतनी सॉफ्ट, इतनी ठंडक हो रही है, अभी ठंडक शुरू हो गई, अक्टूबर का मंथ है और हाईवे पर तो ठंडक हो जाती है। रोटी चमचोड़ नहीं हुई, एकदम सॉफ्ट, जो रोटी का एक टेक्सचर होना चाहिए वो था, और टेस्ट भी बहुत प्यारा था। यहाँ का चाय भी बहुत ज़बरदस्त है। हम लोगों ने मतलब बहुत ढाबे आते जाते हैं, लेकिन ढाबों के जो ऑनर है उन्होंने जो क्वालिटी मेंटेन करी है वो बेस्ट है। और सबसे मेन चीज़ तो चिकन लबाबदार, उसका जो टेस्ट है वो अभी भी मुँह में एक रिमाइंडर की तरह घूम रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त है इसका, तो वो एक ट्राई कीजिएगा। बाकी मेन्यू भी इनका बहुत ज़बरदस्त है, वो भी आप चेक करेंगे तो बहुत सही रहेगा। और हाँ, सबसे अच्छी इसकी लोकेशन है, जो आपको होड़ी का रोड पड़ता है, अगर आप लाल गाड़ी से आ रहे हैं तो जस्ट हॉली फैमिली के इधर से नीचे से रास्ते से आप कटेंगे तो भोड़ी की तरफ से आपको दिख जाएगा, या आप सीओर की तरफ से आ रहे होंगे तो अगर आप इस तरफ रोड पे आए तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे दिख जाएगा। तो दोस्तों खाना हो चुका है ख़त्म, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था दोनों चीज़ों का, चिकन लबाबदार और बटर चिकन, दोनों ही बहुत ही आला किस्म का टेस्ट था। और इस तरफ अगर आप आ रहे हैं एयरपोर्ट रोड साइड तो बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आएँ आप लोग, तो मेन्यू चेक कीजिए और उसमें बताइए कि आप लोग भी जो आए तो यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करें। और आपको इसके एड्रेस का मैं बताऊँ तो एड्रेस इसका ऐसा है कि आप फ्लाई ओवर से नीचे उतरेंगे, जैसे कि फ्लाई ओवर मत चढ़िए और डायरेक्ट हॉली फैमिली के सामने से फ्लाई ओवर से करिए, और बोरी की तरफ जो रोड लेफ्ट में मुड़ता है उसमें जब आप जाएंगे तो सीधे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये शालीमार ढाबा मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं ऐसा बोर्ड रहेगा इसका। तो चलिए दोस्तों चाय आ गई हमारी, चाय पीते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, गुड नाइट।